प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में 13 वर्षीय जिले की ब्रांड एम्बेसडर मीनाक्षी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मीनाक्षी के बचत किए हुए गुल्लक के पैसों को टीबी मुक्त भारत बनाने के अभियान में दान देने की प्रशंसा करते हुए कहा कि मीनाक्षी को कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाली बेटी बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के अभियान की बात करते हुए कहा कि एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग भी दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। इसके साथ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कटनी की 13 वर्षीय बेटी मीनाक्षी की चर्चा करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में जिले की ब्रांड एम्बेसडर मीनाक्षी ने टीबी मुक्त भारत बनाने के अभियान में अपने गुल्लक के पैसे दान देना मीनाक्षी की कम उम्र में बड़ी सोच को दर्शाता है। आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है, लेकिन एमपी के कटनी जिले की 13 साल की मीनाक्षी और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 साल के बश्वर मुखर्जी दोनों ही कुछ अलग ही बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभियान में लगा दिए हैं। ये सभी उदाहरण भावुकता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरक भी हैं। कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। जिला क्षय अधिकारी ने मीनाक्षी के इस योगदान की सराहना करते हुए टीबी मुक्त अभियान में दिए गए योगदान के लिए मीनाक्षी को निक्षय मित्र एवं निक्षय पोषण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही जिला क्षय अधिकारी ने मीनाक्षी के अनूठे जनहितैषी संकल्प से छोटी उम्र में ही बड़ी और अनुकरणीय पहल करने पर मीनाक्षी को जिला रेडक्रॉस समिति का आजीवन सदस्य भी बनाया है। वहीं जिला क्षय अधिकारी ने बताया कि मीनाक्षी को पूरे देश में सबसे कम उम्र में जिला रेडक्रॉस समिति का आजीवन सदस्य बनाने का गौरव हासिल है। कि गुल्लक फोड़ के मीनाक्षी छत्री जी ने ये सहयोग राशि दी थी और इस सारे कार्यक्रम के तहत श्री माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा हम सभी लोगों को सहयोग दिया गया और उनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग ये कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। और 2025 तक का जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा टीबी मुक्त होने का, हम सभी लोग उसमें प्रयासरत हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के सहयोग और मार्गदर्शन में हम सभी लोगों ने लगभग 17.5 लाख रुपये की राशि इकट्ठी की है और हम सभी लोग इसमें प्रयासरत हैं। 25 अप्रैल को माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा भी मीनाक्षी छत्री जी के और कलेक्टर जी को सम्मानित किया गया और ये भी बड़ा गौरवान्वित विषय है कि मध्य प्रदेश में कटनी जिला आज टीवी में कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन में सम्मानपूर्वक वर्क कर रहा है और हम सभी लोग प्रयासरत हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।